Hello, everyone, and welcome back to class 12th Business Studies. We were doing unit 2nd of Business Studies Principles of Management, and we have covered the introduction of principles of management, the 14 principles of management, which were given by Henry Fayol, the 4 principles of scientific management, which were given by F.W. Taylor, and also the 4 techniques of साइंटिफिक मैनेजमेंट विच व गिवन बाई एफ डब्ल्यू टेलर एंड ओनली फाइव टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर लेफ्ट विच वी विल कवर इन दिस वीडियो सो द फिफ्थ टेक्निक ऑफ़ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फटीक स्टडी देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं इम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको पूरा टाइम काम पर लगाए रखें ठीक है देर वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स वी ऑल नीड सम रेस्ट इंटरवल्स वी ऑल नीड सम रेस्ट ठीक है तो वर्कर्स को काम जब रेस्ट की जरूरत होती है तो एफ डब्ल्यू टेलर ने यही कहा कि नो no डाउट वर्कर्स को रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है दे शुड बी प्रोवाइडेड द रेस्ट इंटरवल्स बट वी शुड कीप अ चैक दैट अननेसेसरी रेस्ट इंटरवल्स वर नॉट टेकन बाय दैम ठीक है तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि हमें रेस्ट इंटरवल्स देने चाहिए बट ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो अननेसेसरी इंटरवल्स नहीं ले रहे हो तो इस स्टडी में क्या कहा गया दिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रिक्वेंसी ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल्स कि ये जो फटीक स्टडी है ये किस लिए की जाती है ताकि आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकें ड्यूरेशन निकाल सकें एंड नंबर ऑफ़ रेस्ट इंटरवल्स मीन्स आपको ये देखना है फ्रिक्वेंसी मतलब कितनी बार आपको रेस्ट uh, इंटरवल्स देने हैं कितने ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल देना है और कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको रेस्ट इंटरवल्स देने हैं ठीक है ठीके? अब आपको ये कैसे करना है सबसे पहले देखो क्या करना है ऑब्जर्व अ वर्कर वर्किंग आपको एक वर्कर को काम करते हुए ऑब्जर्व करना है नोट डाउन द टाइम व्हेन ही स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड वो टाइम नोट डाउन कीजिए जिस टाइम पर वो थकना शुरू करता है जिस टाइम पर वो टायर्ड फील करना स्टार्ट करता है गिव हिम ब्रेक उसको एक ब्रेक दीजिए देन नोट द टाइम वेन ही अगेन स्टार्ट वर्क और फिर वो टाइम्स देखिए जब वो दोबारा से काम स्टार्ट करता है मतलब आपको क्या करना है सबसे पहले एक वर्कर को काम करते हुए देखना है ऑब्जर्व करना है फिर टाइम देखिए किस टाइम पर वो काम करना शुरू करता है ठीक है उसको ब्रेक दीजिए फिर देखिए कि वो दोबारा से काम करना कब शुरू हुआ है वही तो रेस्ट इंटरवल हुआ ना काम कर रहा था काम करते करते थका हमने उसको क्या दिया ब्रेक दिया ब्रेक कर, देने के बाद उसने दोबारा काम करना स्टार्ट किया तो वो जो बीच का टाइम पीरियड था रेस्ट इंटरवल आपको यही देखना है कि वो कितने ड्यूरेशन का देना है कितनी बार उतने ही हमें रेस्ट इंटरवल देना है और किस फ्रिक्वेंसी से देना है राइट सिक्स टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज मोशन स्टडी अब देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि क्या होता है वर्कर्स को या इंप्लॉयज़ को किसी को भी जैसे वर्कर्स हैं तो उन्हें फैक्ट्री में रो मटेरियल लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है टूल्स एंड इक्विपमेंट्स लेने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है किसी भी काम से भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना पड़ा एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जाना पड़ा तो ये सब मूवमेंट्स हो रही है ना तो टेलर ने कहा कि आप ये देखिए कि अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ वर्कर्स तो नहीं हो रहा और अगर अननेसेसरी या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहा है वर्कर्स का ठीक है तो वो आप हटाइए ठीक है उसको कट डाउन कीजिए सो मोशन स्टडी इज कंडक्टेड टू रिड्यूस द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग टास्क कि जो परफॉर्मिंग टास्क है जो वो टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं आपको उसके टाइम को क्या करना है रिड्यूस करना है ठीक है कैसे सबसे पहले तो आपको क्या करना है डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वर्कर्स की मूवमेंट को डिटरमाइन कीजिए ठीक है देन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स आपको डिफरेंशिएट करना है कि प्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सी है वर्कर की और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कौन सी है प्रोडक्टिव मूवमेंट की जो होनी है ठीक है उससे आपका कुछ प्रोडक्शन कुछ आउटपुट निकल रहा है वो मूवमेंट इस वजह से की जा रही है कि उससे कुछ आउटपुट निकले डेट्स फाइन बट अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है कि उस मूवमेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता उस मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता फिर भी अननेसेसरी वो मूवमेंट कर रहा है अननेसेसरी उसका मोशन हो रहा है तो आपको वो कट डाउन करना है नेक्स्ट पॉइंट यही है कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कि आपको अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को कट डाउन करना है तो मोशन स्टडी यही कहते हैं कि जो भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं या अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वर्कर्स के आपको उन्हें एलिमिनेट करना, करना है उन्हें रिमूव करना है ठीक है जस्ट टू होल्ड द ओनली नेसेसरी एंड द प्रोडक्टिव

टाइम देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट या एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए और वर्कर्स कितना स्टैंडर्ड कितना टाइम ले रहे हैं एक्चुअल में ठीक है तो टाइम स्टडी टेलर ने कहा कि भाई देखो ऐसा तो नहीं है वर्कर्स कहीं ज़्यादा ही टाइम ले रहे हो हमें उस काम को करने के लिए छः घंटे चाहिए ही नहीं वो काम थ्री आवर्स में या फोर आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा और वर्कर्स उस काम को उसी काम में लगे हुए हैं छः घंटों से ठीक है तो ये है टाइम स्टडी सो दिस इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द राइट टाइम टू परफॉर्म अ टास्क आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि देखिए अगर कोई काम होना है लेकिन अगर वो गलत टाइम तो होना ना, तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना है उसका उस टास्क को परफॉर्म करने का राइट right टाइम कौन सा है सही समय कौन सा है सेटिंग अप स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स उसके बाद आप क्या करेंगे वर्कर्स के लिए स्टैंडर्ड टारगेट आप फिक्स कर देंगे सेटअप कर देंगे देन डिटामाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड अब आपने एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट कर दिया वर्कर्स के लिए उसके बाद आप ये देखोगे कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत है कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है फिर आप उन्हें कैटेगराइज कर दोगे एज एफिशियंट एंड इनएफिशेंट वर्कर्स कि एफिशियंट वर्कर्स कौन से हैं आपके और इनएफिशंट वर्कर्स कौन से हैं राइट नेक्स्ट वेन इज डिफ्रेंशियल पीस वेज सिस्टम देखिए डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम में क्या है नाम से ही पता चल रहा है कि आपको ना बंदे को सैलरी uh, या वेजेस किस हिसाब से देना है जितना काम उतने वेजेस ठीक है जितना काम उतने वेजेस सो डिफरेंट वर्कर्स मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी कि आपको अलग-अलग वर्कर्स -अलग को उनकी एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड होकर उन्हें पे करना है ठीक है जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको उतनी ही ज्यादा आप वेज दोगे और जितना कम एफिशिएंट होगा जितनी कम एफिशिएंसी से जो बंदा काम कर रहा होगा उसको आप उतनी ही कम वेज दोगे ठीके? तो मोर एफिशिएंट मोर वेजेस लेस एफिशिएंट लेस वेजेस राइट सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है अब देखिए इस टेक्निक में क्या हुआ दिस टेक्निक फोकस ऑन पेइंग डिफरेंट वेजेस टू एफिशियंट एंड इन एफिशिएंट वर्कर्स कि आपको एफिशियंट और इनएफिशंट वर्कर्स को डिफरेंट वेजेस पे करना है एफिशियंट के लिए वेज अलग देना है और इनएफिशियंट के लिए वेज अलग देना है देखिए एक बार पहले इसका लास्ट वाला पॉइंट देखिए प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज इफ पेमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द वर्क डन कि अगर आप देखो क्या होगा आपने उनको बता दिया कि आपको पर पीस का इतना पेमेंट मिलेगा या आपको इतनी पेमेंट मिलेगी इतने इतना वर्क करने पर ठीक है तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो बंदा ज़्यादा काम कर रहा है ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है उसको ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं और जो कम कर रहा है उसको कम वेजेस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ना सिर्फ इसी बात के इसी आ, उसमें आके कि हमें वेजेस ज़्यादा मिलेंगे वो लोग ऑब्वियसली ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ठीक है so, सो प्रोडक्शन मैक्सीम होगी ना अगर आप वर्क डन के बेसिस पर उनको वेजेस देते हो आर्ट्स के बेसिस पर नहीं कि इतने आर्ट्स करें तो इतना वेजेस मिलेगा नो no. आप उनको वर्क डन के बेसिस पे कि एक पीस के प्रोडक्शन के इतने वेज आपको मिलने हैं अब आप दिन में जितने पीस बनाओगे आपको तो उस हिसाब से वेजेस मिल जाएंगे देन ऑब्वियसली एवरी वन विल ट्राई टू प्रोड्यूस द मोर एंड मोर पीसेज सो डैट दे कैन गेट द मैक्सिमम वेजेस राइट नाउ देखिए अब इसने क्या कहा कि आपको एफिशिएंट वर्कर्स को वेजेस अलग देने हैं और इनएफिशिएंट वर्कर्स को वेजेस अलग देने हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं उनको आप एक्स्ट्रा वेजेस दे रहे हो उनको वेजेसियसलीफिशियंट वालों से तो वो चीज उनको मोटिवेट करेगी ना कि वो एफिशियंट ही रह सके और जो inefficient employees है ये उनको भी मोटिवेट करता है भाई उनको कैसे मोटिवेट किया उन्हें तो कम वेजेस मिल रहे हैं तभी तो मोटिवेट किया क्योंकि उनको कम वेजेस मिल रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं एफिशियंट ये भी तो लोग हैं जिनको ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि ये एफिशियंट है तो हम भी क्यों ना इनके जैसे एफिशियंट बन जाए तो वो भी मोटिवेट होंगे उन्हीं की तरह एफिशियंट बनने में ताकि उनको भी ज़्यादा वेजेस मिल सके और वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो कर सकें ठीक है उसके बाद आता है हमारे पास में मैंटल रिवोल्यूशन

बिना ना तो बिना वर्कर्स के चल सकती ना ही बिना मैनेजमेंट के चल सकती राइट right? तो वर्कर्स एंड मैनेजमेंट शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर एंड दे शुड कॉपरेट विद ईच अदर सो एज टू रन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द स्मूथ मैनर इन द प्रॉपर मैनर ठीक है सो वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेक्निक चेंज इन देंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट एक्चुअली मेंटल रिवोल्यूशन कर देना इसका मतलब ही ये है कि उनका मेंटल एटीट्यूड चेंज कर देना किन का मेंटल एटीट्यूड चेंज चेंज करना वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर्कर्स और मैनेजमेंट दोनों का एटीट्यूड ही चेंज कर दो अब एटीट्यूड कैसे चेंज करना है हमें पॉजिटिव वे में कि दोनों एक दूसरे को समझे दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करें ठीक है और दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके चलें ठीक है कॉपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट and finally we have completed the unit second principles of management i hope it, these all videos will be very benef beneficial for you right and if still you are having any doubt any query regarding unit second principles of management then you can contact me anytime i will definitely reply thank you so much